रहे जम्मू कश्मीर भाजपा की असेंबली इलेक्शन कैंपेन कमेटी उसके उपाध्यक्ष भी हैं। अब मैं सुखनंदन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। बैठे थे किसान लीडर नवें शहर का जो साढ़े भाई भी शर्मा जी तुसें बड़ी चंगी तरह जानते होने की। पहले तो तुसें सारे की मेरी तरफ का मेरी टीम की तरफ का सारे की सारे नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और बड़ी बड़ी तुम्हें मुबारक। इस कन्ने गै मैं तुसें एक जरा इलेक्शन का माहौल चला दा हर पार्टी का अपना अपना मैनीफेस्टो आवा दा बीजेपी का भी आया जी गौरमेंट च नहीं है कांग्रेस का भी मैनीफेस्टो आया जड़ा नैशनल कॉन्फ्रेंस का भी आया। ये मैं देखे है कांग्रेस के मैनीफेस्टो के बिच कि उन्हें जो भी गल की ना कहीं पिछला भी मैं रिकॉर्ड तुसें दसगा उन्हें हमेशा कश्मीर की गल की और अज के मैनीफेस्टो भी दसिया उन्हें कि जो कश्मीर का सेब है 72 रुपये किलो को 72 रुपये के जी कहीं किलो कहीं खरीद के घट को घट जो 72 रुपये उसी ग्रोवर की मिल जो पैदा करता है सेब उत्थे। जम्मू की कोई गल नहीं की, जम्मू की लीची की कोई गल नहीं की, जम्मू के सेब की कोई गल नहीं की, ना उन्हें जम्मू की बासमती दी जी सारी मेन जम्मू की क्रॉप है अगर उत्थे दा हॉर्टीकल्चर है इत्थे दा एग्रीकल्चर है और मेन क्रॉप जी बासमती है जी साढ़े मर्च भी है आरसपुरा भी है कठुआ भी है पूरा बॉर्डर जोड़ा है ये बासमती क्रॉप होंगी लेकिन और कोई गल नहीं की उन्हें। पीछे भी अस देखते आए हैं सेब सारा बाहर जाता हा लेकिन बासमती बाहर नहीं जाती। तुसें भरा की सारे पता होना कि जो मैं MLA बनया भारतीय जनता पार्टी की तरफ का और असें बैन कटवाया उसके बाद 2008 के बाद बासमती जी सारे बाहर जान लगी क्या पंजाब हा क्या हरियाणा क्या दिल्ली कुछ भी बाहर जानी आउट स्टेट का बच्चे बाहर जाना शुरू हुई। उसको पहले सेब का सेब जाता हा लेकिन और बिच भी उन्हें सारे कहीं बिल्कुल किया उन्हें कि और टोल माफ हा सेब का पर बासमती टोल माफ नहीं वो जो हूँ जल्द 370 टुटी ऑटोमेटिकली सब कुछ खत्म हो गया। ये कन्ने तुसें मेरे ख्याल याद होना है कि एक बार DAP फर्टिलाइजर आया हा 2012 फरवरी मार्च के बच्चे जानी नकली खाद दिता रहे सू कांग्रेस के टाइम किसानों की नकली खाद मिल रही क्या यूरिया हा क्या DAP हा 2012 मैं उसका एक सैंपल पकड़िया हा DAP का 9200 मीट्रिक टन आए हा फरवरी मार्च महीने के वो सारा खाद वापस होया जानी कांग्रेस के टाइम से हमेशा किसानों के भेदभाव गाँव रहा हूँ जो तो देखा दे धरने बिठाए थे लोग उन्हें MSP के उपर साढ़े पार्टिया ने एक वायदा किया हा मोदी जी ने कि जो सारी गवर्नमेंट बनी ही कि अस जी अपनी जिम्मेदारी की किसानों की इनकम जी डबल करिए और सीधे सीधे उदाहरण है 46 साल लगे हे 45-46 साल लगे कांग्रेस की 66-67 से MSP आई ही मिनीम सपोर्ट प्राइज भी लागू हुई ही 66-67 शुरू हुई 47 साल लगे 1310 रुपये क्विंटल पुजने वास्ते मुंजी जी धान रखने और 1350 रुपये क्विंटल अपने गंदम और असें जी सारी गौरमेंट आई दिल्ली के बिच जी लोगों मजबूत सरकार दी नरेंद्र भाई मोदी जी की उन्हें अपना वायदा पूरा किया कि डबल इनकम अस करके 70% उन्हें जी इनक्रीज आई जी 9 सालों के जी धान की 68% जो ऊन वाली जो गंदम का रेट आना वाली है जो अगला आना है 24-25 वाला अगर वो आया तो 70 को भी उपर चली जानी है जानी 70% असें इनक्रीज देड़ी है किसानों की डबल का यह वायदा किया आने वाले 1-2 साल के बच्चे पूरी जी डबल इनकम जी किसानों की 100% जी करी ओड़नी है BJP ने और BJP अपने वायदे पर पूरा खरा उतर रही है। खाद बिकती ही नकली टाइम के सब कुछ जानी कदे भी किसानों का भरा नहीं सोचा अजो करके कश्मीर से सोचा तो जम्मू का फिर उन्हें याद नहीं आवा। मैं तुसें दसना चाहना कि इतने साढ़े एक और साड़ी सरकार आई अगर साड़ी सरकार आई अस एक रखे किसान की जी 6000 मिल रही है वह किसानों की 10000 देते यानी 6000 का 10000 सरकार आई कि नहीं सरकार आनी है असं पूरा अपनी जनता का पर अपनी जम्मू कश्मीर की वोटर का पूरा भरोसा है कि नहीं इस भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी है और असें जोड़ा किसान निधि है 6000 की बजाय जी कर देनी आती 10000 उससे कन्ने कन्ने एक MLA होर रखे कि 50% एग्रीकल्चर का जिनी भी पावर खर्चो जिनी भी पावर खर्चो क्या वो थ्रैशिंग वास्ता होग क्या वो पंप सैट पर होग जैन भी होग और ही असें जी 50% सबसिडी नी जी माफ कर देनी। इसे कन्ने कन्ने अब एक और अपनी गल तुम्हें दसना चाहना कि साढ़े जो लोकल लाटी एक साढ़े 47 रिफ्यूजी आए थे 65 रिफ्यूजी आए थे जेडे
71 ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇ ਉੜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਅਲਾਟੀ 35 ਕੋਲ 4000 ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35000 ਪਲਈਏ 4000 ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੰਦਾ ਸਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਣੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਹੈ 6000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ 4000 ਜਿਹੜੇ 10000 ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਅਸ ਉਹਨੇ ਲੋਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੇ ਦੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੇਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਆ ਲੋਕੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੁਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਬਣੀ ਗਏ ਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਔਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਔਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਗ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰਾ 100% ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋੜ ਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਘਾਟੇ ਕਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿਸ ਕੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਛੋੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਛੋੜਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ आपने डबल कर दिया ना ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है भाजी ऐसा नहीं है तुसे दिखो ना मैं MLA तुसे देखो ना मैं भी प्रैक्टिकल हाँ तुम्हारे सामने हाँ दो बार का विधायक का मंत्री भी रहा और हाड़ी में भी जिम्मेदारी करना मेरे बेटे जिम्मेदारी कर दें एक MLA के बेटे एक मंत्री के बेटे अगर जिम्मेदारी कर रहे तो ये नहीं लेकिन हर बंदे की शौक होंगे हर बंदे की शौक होंगे मैं भी शौक होंगे कि भाई थोड़ी मेरी एक दुकान भी होए कन्नै एग्रीकल्चर भी होए दूजी चीज़ कन्नै कि नहीं सारी चीज़ा ऐसा नहीं जिम्मेदारी छड़े जा रही जाओ दिखो तो शुरू हो जाओ तो पुंछ वाला शुरू करो कुछ जिम्मेदारी देखी कोई जमीन खाली पे दी तुम्हें कुछ भी जमीन गिन भी खाली नहीं पेगी जमीन सारी जमीन च फसल लग रही ऐसा सरदार जी गलत नहीं पटकाई करो नहीं नहीं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है मैं भी चाहता हूँ कि मेरे एरिया में इंडस्ट्री लगे जो बेरोजगार लोग हैं उनको काम मिले मैं भी चाहता हूँ चाहे एग्रीकल्चर लैंड में भी अगर कोई इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें जो बेरोजगार मेरे बच्चे जो घूम रहे हैं आगे पीछे उनको रोजगार मिलेगा ये भी हमारी वायदा है हमारी गवर्नमेंट का और हम अपना वायदे पे पूरा खरा उतर रहे हैं हाँ जी बीजेपी के कार्यकाल में किसानों के लिए काफी बेहतरी को देखा गया हाँ जी एजिटेशन के दौरान जो मंजर सामने देखा गया उसको कैसे एक्सप्लेन करें कौन सा एजिटेशन जी किसानों ने जो एजिटेशन की भैया वो किसान को पंजाब की बात है मैं अपने किसानों की बात कर रहा हूँ या जम्मू वाले किसानों को जम्मू वालों किसानों को ना खाद की प्रॉब्लम आई 2008 के पहले जब हम MLA बने थे उसके MLA मेरे बनने से पहले हर बार नारे लगते थे खाद नहीं है यूरिया नहीं है DAP नहीं है 2008 के बाद आपने देखा कहीं कोई नारा बजता है किसान खाद नहीं है क्यों नहीं है उसका ही कारण है उसका ही कारण है ब्यूरोक्रेसी में एक पोस्ट रहते हैं रजिस्टर कोऑपरेटिव वहाँ पे सब लब लुभाव जितने भी था उसका रजिस्टर कोई भी अफसर हुआ आता था ब्यूरोक्रेट जो भी आता था कश्मीर से आता था और उसका नोडल अफसर क्योंकि फर्टिलाइजर का उसको बनाया हुआ था बहुत बड़ा वहाँ पे घपला होता था उस फर्टिलाइजर में नकली खाद बेची जाती थी किसके थ्रू बिकती थी वो नोडल अफसर के थ्रू बिकती थी अगर हर चीज़ का सैंपल भरा जाता तो उसका खाद का क्यों नहीं भरा जाता था इसलिए उस पोस्ट के ऊपर तभी लोगों को कभी खाद पूरा नहीं मिलता था ना टाइम का मिलता था कुछ पार्टियां मांग कर रही है कि जो इन्होंने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की मांग की है उसका सबसे ज्यादा फायदा उनका कहना है कि जैसे हमारे सांबा सेक्टर में जो है वो क्वालिटी किस्म के जो बासमती वगैरह निकलते हैं उनको एक्सपोर्ट अगर ईरान वगैरह करेंगे तो हाई प्राइसेस में जाएंगे क्या आपको नहीं लगता है कि जो इंडो पाकिस्तान ट्रेड को रोकने के लिए आप लोग कह रहे हैं कि
जब तक पाकिस्तान के साथ जो है वो रिलेशन ठीक नहीं हुई ये शुरू नहीं किया जाएगा, इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? भैया सांबा की बासमती नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छी बासमती तो हमारे आरएसपुर की है, उसके बाद हमारे आती है मड़की, मड़ के बाद आती है सांबा वगैरह की, ठीक है। और जब से 2008 के बाद कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई कि हमारी बासमती बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है, बाहर जा रही है, पंजाब भी जा रही है, आगे भी जा रही है, दिल्ली भी जा रही है, और दिल्ली से आगे एक्सपोर्ट वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है। जो सब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो की जो दिख रहे हो, जिधर ने लेट आया कांग्रेस ने मैनिफेस्टो देखा है, पर अब कश्मीर की गल कर रहे हैं, 71 सेब खरीद के तेरी बासमती नहीं खरीद कर, तेरे पिछना नहीं जाना खरीदने उन्हें कांग्रेस ही है, तेरे उत्थे नहीं जाना, क्या आखते तुम मरालिया कुछ रोंदे तुम, वो मरालिया नहीं जाना धान खरीदने, उन्हें कश्मीर सेब खरीदने जाना छपैया वाले, उन्हें 70 रुपये किलो देने, तुकी 200 रुपये किलो के थोड़े खाने की, तू उनकी कश्मीर की फिक्र है, मेरी डीसी की फिक्र नहीं उनकी, मेरे अंब की फिक्र नहीं, तेरी बासमती की जरूरत नहीं है उन्हें, तेरे अंबे का बाग ना बराले को जरूरत नहीं है उन्हें, उन्हें खाली कश्मीर के सेबे की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बड़ा क्या उदाहरण है, यानी कश्मीर का सेब बाहर जाता, जम्मू की बासमती नहीं जाती, जुलास से जितिए गए उसे, और बाद 2008 का बाद तुम्हें पता ना, 2008 का बाद गया बैन खत्म होने से बाद के बाहर जाना शुरू हुई, तो पूरी उपर कौन रहा थे, कांग्रेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस रहे ना, उन्हें कश्मीर की चिंता रही, जम्मू की चिंता थोड़ी रही है उन्हें, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सरदार जी की जय हो, सत श्री अकाल, आप सभी का धन्यवाद। जम्मू कश्मीर।